दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ये नाम आप लोग ने सुना जरूर होगा, लेकिन इसके विषय में आपको मैं एक बार फिर से एक विस्तार से बताता हूँ। ये एक नया टॉपिक है, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो मैं आज बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी मेनली है क्या? एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा हमारी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। मतलब करीब हम कोई चीज़ किसी दूसरे को देते थे तो उससे हम कोई दूसरी चीज़ ले लेते थे। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और यह लेन देन का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। और यही नोट आज है, यही नोट हमारे सिक्के हमारी मुख्य करेंसी के रूप में प्रचलित हैं। इसके अलावा एक करेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल है, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, आइए हम इसको एक बार फिर से विस्तार से मैं आपसे इसकी चर्चा करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। आज हर देश के पास अपनी एक करेंसी है, मतलब कि हर देश की एक मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है, उसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है? तो इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों को द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही इसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या हमारी कोई भी चीज़ हमको प्राप्त होती है या मिलती है या किसी सेवा को हम खरीद सकते हैं, तो वो करेंसी होती है। अब हम बात करें कि जैसे कि 50 रुपये का अगर हमारे पास नोट है तो उसे हम फल खरीद सकते हैं, इसलिए करेंसी है। लेकिन 500 रुपये के पुराने नोट से हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ना तो उसके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए यह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज़ या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए फिजिकल करेंसी कहलाती है। आज हमारे पास करेंसी के रूप में नोट हैं, सिक्के हैं, उसी तरीके से जो करेंसी इसे छूना या पर्स में लेकर घूमना संभव है, तो लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। हम अपनी करेंसी को तो किसी वे में हम ले जा सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम कहीं पर भी ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिजिटल है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये वर्चुअल करेंसी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है, इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीर टू पीर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम लोग करेंसी हम लोग यूज करते हैं वो फिजिकल है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो फिजिकली अस्तित्व में नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल करार दे दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में इसको नहीं रख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल फॉर्म में हम अपने नोट्स को, करेंसी को गड्डी के रूप में, नोट्स के रूप में रख लेते हैं, बल्कि इसको हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन और ना ही ये बैंक के लॉकर में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट के रूप में काम करती है और ये ऑनलाइन रहती है, इसलिए इसे डिजिटल मनी या वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जा सकता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर में भी हज़ारों गुना ज़्यादा है।
लेकिन यह सच है कि यह एक वैल्यू स्थिर नहीं रहती, यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती रहती हैं, जबकि अपने जो फिजिकल फॉर्म में हमारी जो मुद्रा है उसकी कोई वैल्यू नहीं बदलती है। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसके लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, साथ ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है, और इस जिससे द्वारा यह माइनिंग की जाती है उसे माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। उस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शंस का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित मतलब लहस, जिसको हम एक कोड बोलते हैं, ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर लेता है तो उसे ब्लॉक चेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क के मौजूद अन नोड्स द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। इस कंसेंसस में ब्लॉक को सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और यह सही पाया जाता है कि जो इसे सिक्योर करने वाला माइनर्स को क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स दिए जाते हैं, और यह दरअसल एक रिवार्ड्स होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, ये हमारा वह जगह है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, जैसे कि मोनेरो, इथेरियम, बिटकॉइन, रेड कॉइन, लिथोकॉइन, वाइस कॉइन आदि। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट स्वीकार करते हैं। यहाँ आप फाइट मनी, जो कि क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी को फ्लैट मनी में बदल सकते हैं। अगर बात करें तो टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, तो इस लिस्ट में जो हमारी एक लिस्टिंग होती है, इसमें हमें वेबसाइट भी मौजूद होते हैं जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ गिनती के क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स होते हैं जिसके बारे में करीब करीब लोग जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर और विश्वसनीय मार्केट है। जैसे कि आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम ज़रूर सुना होगा और उस पर लोगों ने बहुत सा इन्वेस्ट भी किया होगा। इसके अलावा और भी करेंसी हैं जिनके नाम फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और तमाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लिस्ट आप निकाल सकते हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भारत में कॉइन स्विच, कॉइन डी एस एक्स, वजीर एक्स और यूनो कॉइन जैसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर हैं, जिसकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर यूथोरियन, XPR, YFL, YFL2, डॉग एंड ट्रॉन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और INR में पेमेंट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी जो भी वहाँ की मुद्रा है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। भारत में वजीर एक्स सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो बात करते हैं कि जो हमने आज अभी आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो एक क्रिप्टो करेंसी के विषय में ही बताया हुआ है। तो आज हमारी जो भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं उस पर आपकी अगर कोई भी राय बनती है तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।